ਆਏ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਟੰਗ ਟੰਗੇ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਪਊਗਾ ਆ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ ਇਸ ਜੱਗ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਪੈਣੀ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ ਔਰ ਲਾਓ ਜੀ ਪੁੱਜੀ ਆਸ ਪਟਨਾ ਜੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਉਤਰਨੇ ਹੁਣ ਅਸ ਇਥੋਂ ਸਾਡੇ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਮਿੱਤਰ ਬਣੀ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਔਰ ਭਈਆ ਠੀਕ ਹੋ ਬਾਕੀ ਸਭ ਠੀਕ ਵਾ और देखिए जैसे जम्मू वाले बिहार में आए ना तो बिहार का मौसम भी पूरा हिल गया है और यहाँ भी ठंड हो गई है और हूँ निकली पे रुट्टी खान सवेरे सवेरे हूँ पटना की ट्रेन है 10 बजे साड़ी तो सोचा रुट्टी शुट्टी खाई लैने तो तुम मैं दिखा उन्हें यार ये एक ये को इक्के कपड़े ने भाई मैं लिए आया मैं सोचा कि करने इन्ने कपड़े लिए मगर हूँ पता लगा नहीं कपड़े लेना जरूरी है चलो और लाओ जी गया बिच जिन्ना काम हो गया पूरा तो हूँ चले पटना पटना 100 किलोमीटर है एक दो घंटे पुज जाना है फिर तो पटना जी दसने टेंशन के लाया तो है नहीं मैं बैठे थे तब के दस गए और जिन्हें तुम्हें पता अस गए गया तो सीधा जाना है पटना पटना थोड़ा जहा कम है फिर उतू अ चली जाना झारखंड अज पूरा बिजी शेड्यूल है पूरे दिन तो अब लोकल ट्रेन से गए सफर करा रहे हैं टेंशन नहीं लैनी है बाकी मैं तो दसद रहा सब कुछ इसलिए शोर कंट्रोल थोड़ा जहा शोर चला लाओ जी पुजी अस पटना जंक्शन ते उतरने अहें पटना पुजी हाँ उतरने दैन जन्ने जिते जाना अहें तो दस दे लोकेशन भी सब कुछ भी ते बाकी साढ़े ट्रेन बिच मित्र बनी गए एक और भैया ठीक हो बाकी सब ठीक हुआ और अब इनका पेपर है तो हम चले घूमने तो इसके बाद हम चले जाएंगे झारखंड तो बताते हैं आपको टेंशन नहीं लीजिएगा और हूँ अस पुजी हाँ पटना रेलवे स्टेशन दे दसना तो ही मैं रेलवे स्टेशन बड़ा तगड़ा इधर का तो रेलवे स्टेशन दसना तो ही मैं बाकी फिर इधरों निकलने अगर जितना अं जाना कम उधर भी जन्ने बाकी दसते भी रोने तो टेंशन लैनी है और चेक कर सकते तो दिखी लो इन्ना तगड़ा लगा था ना ये जो टाइल लगी या के लगे ये देखो सामने ये बड़गद का पेड़ बने का फिर ये भाई कौन चाणकिया बने दे कौन बने दे ये चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य समाज के बारे दसे दा ते चलो हुण अस इत्थे निकलने आ ते निकलने आ अग्गे ते तुसीं दसने आ सब कुछ और भैया गैब होई गए ओ जा रहे सच देखो और ये दिख लो अस रेलवे स्टेशन दा बाहर आए हैं ते पटना सिटी एक अच्छी सिटी है लगा ही मैं फिलहाल अभी ते क्राउडेड एरिया बड़ा बड़ा किश है फिलहाल अस उधर दिखन गए ऑटो ला दे कोई निकल गए मौसम तो कोई नहीं निकल रहा ऑटो कि ज्यादा कि नहीं जिदा जो मन करा उ बिच दबाड़ी आ दे बजे जला तै दिख लो पटना शहर बाकी तो सुनाए दस नहीं है अस चले मेन बाजार बिच जिन्हें सा बाजार है ना जो कोई बाजार है उधर चले तुम एक गल सुना अगर तुम लोकल गड्डी ट्रेन बिच सफर करा दे हो जिन्या अस आया गया जी तू पटना बन बन सपा दिए तो डिशा लभनिया रस्ते खाने ट्रेन बिच मेरा इयै आखना है खाओ लिमिटेड खाओ अगर गैस हुई ना तुम तो टिक्की जरूर रखी लो करना अगर तुम गैस नहीं हुई तो जो मर्जी खाई सकते हो नो डाउट मगर अगर एक बार गैस हुई है ना फिर पूछी लो हाल इतना की होंगे है भैया क्यों हाँ तुम गैस हुई हूँ फिर टिक्कियां भी थोड़िया ही होंगे तो वो शैल है खाओ जो मर्जी बस ज्यादा ज्यादा की करो अवॉइड करो गैस की क्योंकि तो गड्डी का दवाका हुट नहीं सकते है पद नहीं मार सकते कुछ नहीं कर सकते वो शैल है लिमिटेड खाओ मजे करना घूमो हर एक जगह सब कुछ बाकी टेंशन नहीं लैने की गल नहीं है जाना पटना सिटी जन्ने जिन्हें अस जम्मू रघुनाथ बाजार है नी इं इतें ते चलने दिखने फिर के मजा बनता है के नहीं बाकी गर्मी भगवान सो जी इतना गर्मी है पवा दी मी पुछो मत राती में मरते मरते बजे हूँ परती इन्नी गर्मी हो गई पर ऑटो च जा मजा बड़ा आवा तो यह भाव ही लगे और तुही दसी जन्ने तो आपू खाई जन्ने मेरा
बाकी गल्लें गल्लां रहियां इत्थे जिहड़े मैक्सिमम जिहड़े आटो वगैरह या बसां वगैरह चलाइयां ना उह सी एन जी बर्नर चलाइयां। तुहानू पता सी एन जी है वी सस्ती है 32-33 रुपए किलो दे हिसाब नाल। जी कुछ मिनट अंदर हूँ पुजी जाना कुछ चंद सैकंड च भाई बिच ट्रैफिक लगी हाँ बिच कद कुछ हो जाना हाँ अस मार्केट पुजने इस पास तीन मार्केट दसने बाकी दसते रहोगे बाकी बार बार जरूर करी आखना टेंशन नहीं लैनी बाकी दसते रहोगे। लो जी अस पटना शहर बाजार के बिचों बिच महावीर मंदिर के सामने खड़ोते हैं इतू अस दसी सकने ती बड़ा पुराना मंदिर है बहुत मान्यता है मगर अस इत थोड़े अंदर जाना काम है पर तुम बारू बारू दर्शन कर सकते हो। फिलहाल अ चले इधर मार्केट बिच घूम दिखन तो सब कुछ तुझे दसगे टेंशन लाया करो है मैं हूँ बैठे था नहीं था। देखो जी ये है मारूफगंज की मंडी पूरी ड्राई फ्रूट जेड़ा मर्जी लाओ ये ब्रांड लग गया साड़ा इधरों अस जन्ने अंदर जिस सब भाई गर्मी है ना इतना में किस तरह ये देखो ये देखो पसीना इन्ना पूछे मत लेकिन ये मैं लगा मैं ना कच्ची सोनी है नी साढ़े पाँच तीर्थी वगैरह बिच उधर इन्या घूमा दा इन्या लगा दा ये देखो बिल्कुल उ गलियां पूरा एक्सप्लोर करा कुत्थे केड़ी मार्केट है कुत्थे केड़ी मार्केट है ते कन्ने कन्ने मार्केटिंग भी चला दी पता तुसीं पता ते बिजनेस है वॉलेट का वो वॉलेट बिच आए मैं कहते नठिया ना कुरा मैं गालियां दिंदा रहा भाई के करा दा के नहीं कुदरा मैं आया आया मैं नठिया ला तो वो भाई कुदर न गेरे फिलहाल मैं दिखा दा इधर गलियां सच मैं इतना गुम ही जाना हूँ गूगल मैप लाए दा तो निकला वा आस पास का कोई चक्कर नहीं। और जिंजा तो ही पता है गुरुपुर वाला इत पटना च ना एक गुरुद्वारा है एडा बड़ा तो पंजाब तू हरियाणा तू जिन्हें भी सरदार वगैरह आ रहे हैं तो गुरुद्वारा लो जी तो सुना आखे गुरुद्वारा दसा ये लोग गुरुद्वारा जो पटना बिहार बिच लाइटिंग चेक करो पटना ही सोह रोड से आखते नहीं जी लगी है रौनक सोह रोड से ये चेक करी सकते हो तुम ये पूरा अस पटना शहर अंदर हाँ भाई केड़ा गंज है मैं मुमीन गंज की भाई केड़ा गंज मैं तो लाइटा चेक करो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स तो कैसे आप सब लोग और जैसे कि मुझे पीछे कमेंट आए हैं कि भैया आप हिंदी में ब्लॉग कीजिए करें डोगरी तो जम्मू के ही लोगों को समझ आएगी तो हिंदी बाकी सारों को आएगी तो चलो अब हिंदी में करने लगा और अब हमें पटना फिर से सिटी में काम है थोड़ा सा वो काम करते हैं देन हमने रांची वाली साइड निकल जाना झारखंड वाली साइड वो भी बता देंगे आपको। और यहाँ पे जो मेला लगा हुआ है ना बिहार में वो अलग ही टाइप का है वहाँ यहाँ पे गुरुद्वारा है बाबा नानक देव जी का तो यहाँ पे रात को मैंने आपको बताया था हलचल वगैरह चहल पहल जितनी है तो अब गुरुद्वारा हो सके तो मैं दिखा देता हूँ आपको तो फिलहाल हम यहाँ से निकल रहे हैं और ये सामने है गुरुद्वारा ये सामने देख सकते हैं इधर से अंदर गुरुद्वारा है और हम बाहर बाहर से ही निकल रहे हैं तो फिलहाल ये चेक कर सकते हैं ये बिहार में है पटना में गुरुद्वारा है बहुत बड़ा देखिए जैसे जम्मू वाले बिहार में आए ना तो बिहार का मौसम भी पूरा हिल गया है और यहाँ भी ठंड हो गई है और तभी आपको पता है पिछले तीन दिन से यही पहनी हुई है क्या कर सकते हैं किसको बता नहीं सकते। हम जब घर से चले थे ना तो हमने सोचा कि वहाँ ठंड क्या होगी तो इधर ही आते हैं तो इधर ही बैठते हैं इधर ही कहेंगे गर्मी खाएंगे मगर हमें क्या पता था यहाँ बुरी हालत हो जाएगी। चलो खाना खा रहे हैं फिर बताते हैं आपको बताते हैं सब कुछ।
और फ्रेंड्स अब हम पहुंच गए हैं बस स्टैंड में, पटना के यहाँ बस स्टैंड है। ये देखिए पीछे इस साइड बसेज लगी हुई हैं, मैक्सिमम इस साइड लगी हुई हैं, कुछ इस साइड लगी हुई हैं। और हमने जाना था कल झारखंड रांची, लेकिन क्या हुआ भैया बीमार हो गए। उस चक्कर में क्या हुआ कि जो टिकटें थी हमारी कैंसिल करानी पड़ी, तो आज हम निकल रहे हैं और ये गाड़ी पीछे लगी हुई है, हमने टिकटें करा ली हैं, स्लीपर में जा रहे हैं। तो स्लीपर का किराया कोई 700 रुपया एक बंदे का, 1400 रुपया दिया। और सोने पे सुहागा। एक चीज़ और बताऊँ आपको, मैं बताऊँ, मेरी खुद तबीयत ख़राब हो रही है, मेरी बता नहीं सकता आपको क्या करूँ, उल्टियाँ आने लगी हैं 2 मिनट में, देखिएगा 2 मिनट में उल्टियाँ मार रहा हूँ मैं। तो चलो मैं बीमार हो गया हूँ, इधर आके मैं घर पर ही ठीक था, इंडिया टूर के चक्कर में अपना टूर लगे हैं।